हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम रॉलेट एक्ट के बाद क्या क्या हुआ ये देखेंगे, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या था और एंड कैसे हुआ, ये सब चीज़ के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जलना वाला बाग इंसिडेंट जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने चाहा था कि इंडियंस के में डर आ जाए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो वो डर लाने के लिए उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती वहाँ के लोगों को परेशान करने लगे, उनको सलाम करने के लिए कहने लगे, वो फोर्स करने लगे उनको कि तुम अपने नोज़ को रब करो, ठीक है, और सलाम करो। तो ये सब चीज़ें होने लगी। तो ये सब चीज़ें देख के महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने ये जो डिसओबीडियंस मूवमेंट था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो चला था, उसको बंद कर दिया, ठीक है, महात्मा गांधी ने। उसके बाद जो चालू हुआ वो हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये जो था ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, ये नॉन कोऑपरेशन था, इसके बीच में कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। तो देखते हैं, देखो उसके बाद क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट जो था, ठीक है, इसके वजह से हुआ जलियांवाला बाग इंसिडेंट। उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जिस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था वो वापस ले लिए। अब इसके बाद महात्मा गांधी ने सोचा कि हमको एक बहुत बड़ा वाइड स्प्रेड मूवमेंट करना पड़ेगा जिसमें इंडिया, पूरा इंडिया पार्टिसिपेट करे ताकि ब्रिटिशर्स को भगा सके। तो पूरा इंडिया पार्टिसिपेट करने के लिए ये एक था कि हमको मुस्लिम और हिंदू को एक साथ लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसमें ओटोमन एम्पायर जो था वो हार गया था, तो वो ओटोमन एम्पायर यानी कि उसमें इस्लामिक लोग थे, मुस्लिम्स लोग थे, तो उन लोग को उन्होंने अपने उसमें ले लिया, अपने अपने साइड ले लिया महात्मा गांधी ने, ताकि हिंदू और मुस्लिम साथ आ सके। तो वो क्या किए एक खिलाफत कमेटी बनाए, ठीक है, खिलाफत कमेटी था जिसमें मुस्लिम लोग थे। तो खिलाफत कमेटी जो था वो बना था बॉम्बे में, मार्च 1919 में बना, ठीक है। तो इसमें जो थे यंग जनरेशन के मुस्लिम लीडर्स थे, जैसे कि मोहम्मद अली, शौकत अली, तो ये लोग के साथ डिस्कशन किए महात्मा गांधी, और इन लोग को भी अपने साथ ले लिए, ठीक है, ताकि हिंदू और मुस्लिम जो थे वो साथ में आ सके और एक बड़ा वाइड स्प्रेड मूवमेंट हो सके। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, एक कांग्रेस किया, कांग्रेस सेशन किया कलकत्ता में। सबसे पहले जो हुआ था 1920 का सबसे पहला कांग्रेस सेशन था यही था कलकत्ता में जो हुआ था। तो उसमें क्या किया महात्मा गांधी ने, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया जिसको नाम दिया नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि उसमें खिलाफत कमेटी भी थी। अब देखो कि नॉन कोऑपरेशन नाम कैसे पड़ा, जो महात्मा गांधी की एक बुक थी हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने वो लिखा था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया में इसलिए हैं क्योंकि इंडियंस कोऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ, और अगर जैसे ही इंडियंस कोऑपरेट करना छोड़ देंगे तो ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से उन्होंने नाम दिया नॉन कोऑपरेशन, कि हमें कोऑपरेशन नहीं करना है। तो ये स्टार्ट हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या हुआ, इसके अंदर गांधी जी ने क्या प्लान किया था, प्लान ये किया था कि इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बॉयकॉट करेंगे, बॉयकॉट यानी कि त्याग करेंगे। किस चीज़ का त्याग करेंगे, सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन, स्कूल, फॉरेन गुड्स। तो सारा चीज़ बॉयकॉट करने के बाद नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1921 के जनवरी में, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सोशल ग्रुप्स वाले पार्टिसिपेट किए, और जिनका स्वराज का मतलब सबका अलग अलग था, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्वराज, ठीक है। तो द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़, मिडिल क्लास लोग ने पार्टिसिपेट किया सिटीज़ में, ठीक है, और कंट्री के सिटीज़ के साइड के जो उसमें थे वहाँ पर भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, वेयर द जस्टिस पार्टी फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वॉज वन ऑफ द वे ऑफ गेनिंग सम पावर। तो क्या हुआ कि मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो मिडिल क्लास लोग ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए, हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया, लॉयर्स ने भी लीगल प्रैक्टिसेस करना बंद कर दिए, कोर्ट छोड़ दिए, और इलेक्शन भी छोड़ना था, जो इलेक्शन हो रहा था उसको भी बॉयकॉट करना था, लेकिन मद्रास के जो जस्टिस पार्टी थी उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं, इलेक्शन हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको ये लगता था कि यही एक तरीका है जिससे पावर मिल सकता है, यही एक तरीका है जिससे उनको कुछ पावर मिल सकता है ना।
तो उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है, वो लोग तो अपना इलेक्शन में गए, बाकी सब लोग ने फॉरेन गुड्स छोड़ दिया, लिकर शॉप बंद हो गए, जो ड्रिंक करना था वो छोड़ दिए, क्लोथ को बंद कर दिए, फॉरेन क्लोथ को बंद करने लगे, ठीक है, ये सब होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन तो चला, उसके बाद क्या हुआ कि जो पुअर लोग थे, अब फॉरेन क्लोथ के ऑल्टरनेट में क्या था, खादी था, तो खादी एक्सपेंसिव होता था, तो पुअर लोग जो थे वो एफर्ड नहीं कर पाए, तो एट लास्ट क्या हुआ, उनको रिटर्न वही फॉरेन क्लोथ में जाना पड़ा, उन पे डिपेंड होना पड़ा, क्योंकि खादी जो था वह एक्सपेंसिव था। उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन इंस्टीट्यूशन था नहीं कोई, ब्रिटिश और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन जो था वो तो छोड़ दिए सब, लेकिन उसके अल्टरनेट में कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए ना, जहाँ पर वो लोग पढ़े, वहाँ पर काम कर सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या हुआ, कितने दिन तक वो लोग ऐसे ही रहते, तो एट लास्ट उनको भी ज्वाइन करना ही पड़ा ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, लोगों को अपने जॉब वापस से करने पड़े, स्टूडेंट्स वापस ज्वाइन कर लिए, तो ये यहाँ पर ख़त्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि कंट्री के साइड साइड में और छोटे छोटे जगह में भी अलग अलग मूवमेंट, अलग अलग चीज़ों के लिए मूवमेंट हो रहा था। तो कहाँ का हुआ था, सबसे पहले जो हुआ था वो अवध में हो रहा था, अवध में हो रहा था तालुकदार्स के खिलाफ, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, जिसको हमें तालुकदार बोलते हैं, तो वो लोग के खिलाफ वहाँ पर हो रहा था। वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड थे वो लोग लेबर की तरह काम करवाते थे, बेगार करवाते थे, जिसमें क्या होता है कि लेबर की तरह काम कराते हैं विदाउट पेमेंट, पेमेंट नहीं दिया जाता है, फोर्सफुली काम कराया जाता है। तो इसके खिलाफ वहाँ के जो लेबर थे अवध के, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे थे। उसी तरह हुआ था आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर जो ट्राइबल पीजेंट्स थे वहाँ के, वो लोग स्वराज चाहते थे, किससे, वहाँ पर जो रूल था वो था कि फॉरेस्ट एरिया में घुसने नहीं देते थे। वहाँ पर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो ये रूल बनाई थी कि फॉरेस्ट एरिया में वो क्लोज रहता था, वहाँ पर वहाँ के जो ट्राइबल पीजेंट थे उन लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था। तो उसके अगेंस्ट वो लोग वहाँ पर मूवमेंट कर रहे थे कि उनको फ्यूल वुड नहीं मिलता, उनको कैटल को ग्रेस कराने का जगह नहीं मिलता है, तो वो लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए वहाँ आंध्र प्रदेश में इसके लिए मूवमेंट हो रहा था, और एक जगह कहाँ हो रहा था, और एक जगह हो रहा था अपना असम में। तो असम में फ्रीडम नहीं थी उनको, वहाँ के लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या था कि वो लोग फ्रीली मूव कर सके जहाँ उन लोग को मन हो। तो वहाँ पर क्या हुआ था, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो ये कहती थी कि प्लांटेशन वर्कर जो है वहाँ के, वो लोग गार्डन को लीव नहीं कर सकते, टी गार्डन जो है उनको वहीं रहना, वहाँ से वो बाहर नहीं जा सकते विदाउट परमिशन। तो उन लोगों को परमिशन नहीं मिलती थी कि आप फ्रीली कहीं भी घूम सकते हो। तो इसके अगेंस्ट असम के जो टी गार्डन के जो वर्कर्स थे वो मूवमेंट कर रहे थे। तो मैंने बताया तीन जगह मूवमेंट हुआ, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ, और एक मूवमेंट है जो आगे देखेंगे। तो फॉरेन क्लोथ्स वर बॉयकॉटेड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट कर दिए थे, खादी क्लोथ एक्सपेंसिव होता था, तो ऑल्टरनेटिव और कोई ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन भी नहीं था जहाँ पर लोग जाके पढ़ सके, कुछ कर सके, तो उन लोगों को वापस से ज्वाइन करना पड़ा। फिर हुआ था एक चौरा चौरी इंसिडेंट, जो एक बहुत बड़ा रीज़न है मूवमेंट को रोकने का, उसको बंद करने का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। चौरा चौरी इंसिडेंट 1922 इन गोरखपुर, अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन द बाजार टर्न इन टू अ वायलेंट क्लैश विद पुलिस। हियरिंग ऑफ दिस इंसिडेंट गांधी जी कॉल्ड हॉल्ट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो चौरा चौरी का मैं डिटेल में बताती हूँ। देखो चौरा चौरी इंसिडेंट जो हुआ था वो गोरखपुर में हुआ था, जो चौरा चौरी एक जगह है गोरखपुर में, वहाँ हुआ था यूपी में, जो पहले क्या था यूनाइटेड प्रोविंस था, ठीक है, ब्रिटिश के टाइम में यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस के बोला जाता था, अभी तो वो उत्तर प्रदेश है। तो 5 फेब 1922 में वेन अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर पार्टिसिपेटिंग इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्लैश्ड विद पुलिस हु ओपन फायर। तो क्या हुआ कि वहाँ के जो सत्याग्रही थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो पुलिस के साथ क्लैशेस हो गया, वहाँ पर पुलिस ने फायरिंग चालू कर दी, और फिर लास्ट में क्या हुआ कि प्रोटेस्टर जो थे वो लोग पुलिस स्टेशन में फायर कर दिए, फायर लगा दिए। इससे क्या हुआ, इंसिडेंट में क्या हुआ कि डेथ हो गया बहुत सारे लोगों के, पुलिस मैन के। तो गांधी जी को क्या चाहिए था, वॉयलेंट नहीं चाहिए था, कहीं पर भी वो वॉयलेंस नहीं चाहते थे, वो नॉन वॉयलेंस के थ्रू प्रोटेस्ट करना चाहते थे, तो ये वॉयलेंस में कन्वर्ट होने लगा था मूवमेंट। तो इसलिए गांधी जी क्या बोले कि नहीं, अब हमें ये मूवमेंट को बंद करना चाहिए। तो 12 फेब 1922 में क्या हुआ, ये बंद हुआ।
Feb 1922 में द मोमेंट वॉज विदड्रॉन. महात्मा गांधी फेल द मोमेंट इज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेज एंड सत्याग्रहीज नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर स्ट्रगल्स विद द कांग्रेस. विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर नाउ बट टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स एंड वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन. दे फेल दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज. तो देखो रीज़न क्या क्या था. सबसे पहला रीज़न था कि खादी बहुत एक्सपेंसिव था, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं बना था, ठीक है. उसके बाद सेकंड था कि चौरा चौरी वाला. चौरा चौरी में क्या हो गया था, वायलेंट होने लगे थे लोग, बहुत सारे लोग मर गए थे, फायरिंग होने लगी थी, तो इसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद किए. उसके बाद थर्ड क्या था, बहुत सारे लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, वो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे. वो लोग सोचते थे कि कांग्रेस को मतलब ब्रिटिश पॉलिसीज़ को हटाने के लिए, अपोज करने के लिए इलेक्शन में पार्ट लेना ज़रूरी है, तो वो इलेक्शन में पार्ट लेने गए, ठीक है. और स्ट्रगल करते करते बहुत सारे लीडर थक चुके थे, क्योंकि क्या हुआ था, इलेक्शन में थक गए थे. क्या लिखा है, नाउ बट टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल एंड वांटेड, और क्या चाहते थे, वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे इलेक्शन में. उसके बाद महात्मा गांधी ने सोचा कि लोगों को पहले ट्रेन करना ज़रूरी है, उनको समझाना ज़रूरी है कि वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, नॉन वॉयलेंस से कैसे प्रोटेस्ट करना है, उसके बाद ही वो मूवमेंट फिर से चालू करेंगे. तो ये सारे रीज़न थे कि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया. ये है चौरा चौरी अभी का, ठीक है, शहीद स्मारक. यहाँ पर पुलिस मैन और सिविलियंस जो थे वो मारे गए थे, वॉयलेंस हो गया था प्रोटेस्ट करते करते. ये खादी बनाते हुए, तो ये आज का वीडियो था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आई होप समझ में आया होगा. तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.